वेलकम टू माय चैनल माय होप चैनल निधि सिंह में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने चैनल का पहला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस व्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है और हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हमारे साथ आप भी इंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से दिख रहा है इसको प्रेस कर दें और ये जो बेल दिख रहा है इसको भी हिट कर दें, उसके बाद ऑल में क्लिक कर दें। इससे हमारे जो भी वीडियो आएंगे तो उसका मैसेज आपको मिल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ लखनऊ से कानपुर, क्योंकि मेरे भतीजे का अभी 4 दिन पहले मुंडन हुआ था, तो उसी का फंक्शन है, उसी की पार्टी है, तो हम लोग जा रहे हैं लखनऊ से कानपुर। फ्रेंड्स, मेरे साथ में मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी है। हस्बैंड नहीं आए हैं क्योंकि फादर इन लॉ हमारे काफ़ी बूढ़े हैं, तो उनको लेके भी जाना नहीं पॉसिबल है और अकेले भी छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो मैं केवल एक दिन के लिए जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन मैं नहीं रुक सकती हूँ। तो अब देखिए, हम लोग चारबाग पहुँच चुके हैं। ये चारबाग रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग पहुँचे, ये देखिए, तो मैंने सोचा था कि पूरा मैं ब्लॉग बनाऊंगा, बट हम लोगों को अनाउंसमेंट सुनाई पड़ा कि ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो जल्दी से मैं कैमरा रख के वीडियो नहीं बनाया, मैंने तुरंत फ़ोन रख के टिकट लिया और मैं तुरंत टिकट लेके ट्रेन पे बैठ गई। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर ये ट्रेन छूट जाती तो मुझे 2 से 2.5 घंटे फिर से वेट करना पड़ता। तो हम लोग देखिए ट्रेन पर बैठ चुके हैं और मेरी बेटी को नींद आ रही है, तो मैंने सोचा ऐसे नहीं सेफ़ है उसको, इस तरीके से वो सो रही है, कभी भी गिर सकती है। तो मैंने उसको अपनी गोदी में, ऐसे गोद में लिटा लिया है ताकि वो अच्छे से सो ले, क्योंकि हम लोग घर पे बहुत जल्दी उठे थे, सबको नाश्ता वगैरह करा के ही निकले थे, तो इसलिए वो भी नहीं सोई थी साथ में। तो अब हम लोग उन्नाव पहुँच चुके हैं और उन्नाव का समोसा बहुत फेमस है, बहुत ही टेस्टी है। तो सोचा हम लोगों ने कि टेस्ट कर ले, क्योंकि वैसे तो मैं ट्रेन में नहीं खाती हूँ, बट स्पेशली हस्बैंड का फ़ोन आया कि उन्नाव में एक बार एक समोसा लेके देखना कैसा है। और रियली फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, 5 रुपए में बहुत ही अच्छा समोसा था। तो हम लोगों ने खाया, उसको इंजॉय किया, फिर 2-3 समोसे और लिए थे। तो ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं कानपुर की तरफ, उन्नाव क्रॉस कर चुके हैं। और ये देखिए ग्रीनरी कितना अच्छा लग रहा है देख के, मौसम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। हम लोग यहाँ से 8-8:30 बजे निकल चुके थे। ये देखिए, मेरे साथ ही मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। तो अभी उस समय ज़्यादा धूप भी नहीं थी जब लखनऊ में थे, बट ये यहाँ पे 11:30-11:12 बज चुका है, 2-2.5 घंटे लग चुके थे। तो अब हम लोग कानपुर सेंट्रल पे आ चुके हैं और मेरी बेटी देखिए टहल रही है पीछे। फ्रेंड्स, बस में ये रहता है, आराम तो रहती है, बट मेरी बेटी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, उसको वॉमिटिंग होने लगती है बस में। और ये देखिए, मैं उसको घूमने नहीं दे रही हूँ स्टेशन में, तो वो गुस्सा है। मैंने कहा हेलो बोलो फ्रेंड्स से, तो वो यहाँ पे हेलो भी नहीं बोल रही है, कह रही मुझे टहलने दो। तो मैंने कहा फ्रेंड्स, स्टेशन में इस तरीके से बच्चों को छोड़ना सेफ नहीं है, तो गुस्सा हो तो हो जाए, बट मैं सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और बेटा तो हेलो बोल रहा है पर बेटी बॉटल से ऐसे छुप के देख रही थी। और ये देखिए किस तरीके से कह रही, नहीं हेलो नहीं करेंगे, ये देखिए। तो अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कानपुर सेंट्रल पे। ये देखिए पीछे कोई सी ट्रेन खड़ी थी, तो मैंने यहाँ पर शूट कर लिया थोड़ा सा। और फादर ने हमारे बोला हुआ था कि जब पहुंच जाना तो कॉल करना, तो वो रिसीव करने हम लोग को लेने आ जाएंगे। मैं बेटी से कह रही हूँ कि साथ में चले। तो ये देखिए, हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हैं और अब थोड़ा सा धूप भी हो गई है यहाँ पे, क्योंकि 2-2.5 घंटा लग गया था। अब हम लोग यहाँ स्टेशन से एग्ज़िट कर रहे हैं, सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैं अपने साथ ले चल रही हूँ। देखिए हम लोग कहाँ से एग्ज़िट करेंगे, तो ये रास्ता है सीधा, यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे तो हम लोग सिटी की तरफ निकलेंगे, जाके प्लेटफॉर्म से हम लोग एग्ज़िट करेंगे यहाँ से। फ्रेंड्स, 2-2.5 घंटे में अगर ठीक से आप पहुँच जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ बस से तो कभी कभी ट्रैफिक में बस फंस जाती है, तो
2 से 1.5 घंटे तक भी बस रुकी रहती है तो बहुत मुझे उलझन होती है, तो मैं इसलिए ट्रेन में तो टिकट भी कम का है, साथ में जो है आराम से आप हैप्पी हैप्पी पूरी जर्नी आपकी हैप्पी हो जाएगी। तो ये देखिए हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं, और ये हैं फ्रेंड्स वो शख्स, वो लोग जिनसे मैंने, जिनके लिए टाइटल में लिखा था कि मैं इनको देख के डर गई। तो ये देखिए रियली मुझे इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से झपकते हैं, और यहाँ पे कानपुर सेंट्रल में कई सारे थे। तो ये देखिए यहाँ पे धूप है बट फिर भी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल है। रियली फ्रेंड्स बहुत ही खुशी मिलती है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब रिलेटिव्स आएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाली है। और मेरे फादर आ चुके हैं, वो हम लोगों को, हम लोग पापा के साथ में कार में बैठ, ये देखिए हमारे पापा हैं आगे बैठे हुए, और अब हम लोग घर आ चुके हैं। ये देखिए हमारे पापा हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी सिस्टर, और यहाँ पे सभी लोग हैं। चलिए मिलवाते हैं, हेलो करो, हेलो, मेरी चाची लोग भी हैं यहाँ पे, मेरे मामा की बेटियाँ और उनकी बेटी, ये जो ब्लैक शर्ट पहने हुए, ये देखो बुआ, बुआ हेलो करो इधर, ये कौन से भाभी हैं? हाँ भाभी, अच्छा शोभा भाभी, अरे आंटी जी सब लोग, चलो मामी नमस्ते। और चलिए मेरे साथ आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, कुछ हल्का पुल्का मीठा खा के। अगर बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं इस समय बहुत खुश हूँ और इंजॉय कर रही हूँ, तो कुछ बोलने में मिस्टेक हो सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी दीदी, ये देखिए, और ये छोटी दीदी है, अरे बड़ी दीदी, ये है हमारी बहन मतलब मामी, मामी से मजाक करते हैं ना फ्रेंड, और ये हमारी दीदी यानी मामा की बड़ी बेटी है, और ये हमारी उनसे छोटी हैं, ये वाली जो दीदी हैं इनकी सिस्टर यानी कि मेरी बहन है ये। देखिए फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, निकले हैं बट थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। देखिए बारा देवी के मेले में पहुंच चुके हैं, मेरे फादर इन लॉज काफ़ी बीमार थे तो मेरा जाने का कोई बहुत प्लान नहीं था, क्योंकि कई सिस्टर हैं वहाँ पे, बट सभी लोगों के फ़ोन आ रहे थे तो मुझे जाना पड़ा। बट फिर भी मैं कुछ यहाँ पे ख़रीद नहीं पाई थी बाबू के लिए, तो मैंने सोचा कि यहीं पे बारा देवी की पीछे ही किदवई नगर की मार्केट है थोड़ी सी, तो मैं वहाँ पे कुछ ले लेती हूँ, और सभी को शॉपिंग भी करनी थी। सब लोगों के साथ मिलकर जो खुशी होती है वो कहीं नहीं मिलती है। तो ये देखिए हम लोग बारा देवी मेले में आ चुके हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, और फ्रेंड्स यहाँ पे चैन स्नैचिंग वगैरह काफ़ी होती है, चैन खींच लेते हैं लोग, पर्स वगैरह, तो हमें यहाँ पे अवेयर रहना होता है। बारा देवी के पास में ही मार्केट है, तो मैं चाहती थी कि एक जोड़ी अच्छा कुछ बाबू के लिए कपड़ा ले लूँ, क्योंकि छोटा मोटा कपड़ा तो था बट मुझे नहीं समझ में आया, मुझे जो लगा मैंने ले लिया। टाइम की प्रॉब्लम की वजह से मैं दूसरी मार्केट नहीं जा पाई, यहीं पर लेट हो गया था, मैंने सोचा आज इन्जॉय कर लेती हूँ है, क्योंकि फ्रेंड्स मॉल वगैरह तो अब लगभग सभी लोग जाते हैं बट मेला घूमने का भी अपना ही एक मज़ा है। तो आप देख सकते हैं ये रील है, सुई है, बटन वगैरह, ये बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाती हैं यहाँ पे, हैंकी देखिए, और ये देखिए भगवान जी के लॉकेट हैं, और ये इस तरीके से देखिए चूड़ियाँ कितनी अच्छी प्यारी प्यारी, फ्लावर पॉट आप ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आज बहुत दिन बाद हम लोग सब लोग मिले हैं, तो ये देखिए क्लेचर है, रबर बैंड है, हेयर बैंड है, ये सब बहुत ही अच्छे रेट में आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें, बिंदियाँ हैं, चूड़ियाँ देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी कलरफुल चूड़ियाँ यहाँ पर आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही घर में जब कुछ फैमिली में फंक्शन होता है तभी सब लोगों का मिलना होता है, और रियली बहुत ही खुशी होती है फ्रेंड्स। काफ़ी वीडियो, काफ़ी चीज़ें मैं नहीं शूट कर पाई हूँ, और ये हमारी जो दीदी हैं इनको मैंने कहा दीदी यहाँ पे लोग चोरी वगैरह बहुत कर लेते हैं, अपना ज्वेलरी कवर करके रखिए, तो इन्होंने पूरा ही कवर कर लिया। यही सब फ़नी चीज़ें बहुत ही
मज़ा आ रहा था। हम आपको क्या बताएं, बहुत ही मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स। वीडियो शूट करने का उस टाइम मन तो नहीं था क्योंकि इन्जॉय ही इतना, लेकिन फिर भी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी कुछ मेमोरीज़। तो प्लीज़ वीडियो को खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा, खूब लाइक दीजिएगा। और ये देखिए हर माल 6 रुपये फ्रेंड्स, अब बताइए 6 रुपये में क्या मिलता है। लेकिन ये देखिए 6 रुपये में ये मग हैं इस तरीके से, साबुनदानी वगैरह हो गया, और छोटे छोटे बाउल हो गए, लाइटर वगैरह, डलिया, ये देखिए छोटी छोटी बास्केट हैं। ये आप जान लीजिए कि 6 रुपये में आप क्या लेंगे आज की डेट में। तो इस तरीके से ये मेला यहाँ पे बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे सस्ते रेट में चीज़ें मिल जाती हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्वेलरी है, और लेडीज़ को तो ज्वेलरी देखने में बहुत ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक इयररिंग लेने वाली थी, फाइनली हम लोगों को एक इयररिंग्स पसंद आई थी, बट फिर भी जब वो कान पे लगाया अच्छा भी लग रहा था। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे पार्टी वियर इयररिंग्स आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना, कितना आप चाहे गोल्डन में लीजिए, सिल्वर में। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग लेने वाले थे, बट फिर उसमें पीछे हम लोगों ने पेच देखा उसका, तो वो पेच बहुत लाइट था क्योंकि इयररिंग्स थोड़ी सी हैवी थी, तो बस पेच देखा तभी से थोड़ा सा डाउट हो गया कि कहीं ये पेच सपोर्ट ना कर पाए, तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। बाकी और भी सामान हम लोगों ने लिया हुआ था। तो ये देखिए चूड़ियां हैं। और फ्रेंड्स, एक मैं आप लोगों को एग्जांपल बहुत अच्छा बताती हूँ। मैं एक बार लखनऊ में अमीनाबाद में गई थी, तो यही सेम इयररिंग्स वहाँ पे मैं एक ब्रेसलेट मैंने एक शॉप से सेलेक्ट किया था। ये देखिए इयररिंग्स, यही सेम इयररिंग्स मैंने वहाँ शॉप में पूछा तो 280 का बताया, और यहाँ पे वो 60 का बता रहा था, तो 40 में देने को राजी हो गया था। तो आप खुद सोचिए कि वैसे तो अमीनाबाद मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत फेमस है, बट वहाँ पे अगर आप जाएँ तो बार्गनिंग कराना आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे डबल ट्रिबल रेट आपसे वो लोग ले सकते हैं। अमीनाबाद भी बहुत अच्छी मार्केट है, बट अभी चलिए हम लोग इस समय कानपुर में हैं तो वहीं की बात करते हैं। तो ये देखिए बारा देवी मंदिर से अब हम लोग निकल चुके हैं। फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर का वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फ़ोन वगैरह वहाँ पे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए। तो ये देखिए बारा देवी मंदिर से अब हम लोग आगे निकल चुके हैं, मेला ख़त्म हो गया है, बट फिर भी बाहर भी लोग मेला लगाए रहते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब हम लोगों को अब थोड़ा सा आउट में निकलना था। तो ये देखिए अब हम लोगों ने सोचा चलिए पानी पूरी खाते हैं, सब लोगों के साथ खाने में मज़ा ही कुछ और है। तो आप देखिए थोड़ा सा कि हम लोग पानी पूरी खा रहे हैं, और अब हम लोग फिर से आगे बढ़े हैं क्योंकि अब हम लोगों को घर आना था। तो कुछ शॉप अभी भी मेले के पीछे में लगे हुए हैं क्योंकि झूले वगैरह वो मेले के पीछे लगे रहते हैं। तो ये देखिए झूले वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोगों तक के यहाँ पे झूले मिल जाएंगे। आप ये देखिए कितना बड़ा वाला झूला, बाप रे, मुझे तो इसमें बहुत डर लगता है बैठने में, जब ये झूला ऊपर से नीचे आता है तब स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये देखिए एक ट्रेन वाला झूला, ये बड़े लोगों वाला है। और अब हम लोग घर आ रहे हैं फ्रेंड्स, थक गए बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों ने एक ई रिक्शा पूरा बुक कर लिया था। और देखिए कितनी हंसी आ रही है कि उस पर हम लोग आ नहीं रहे थे, बट सब लोग घुस के बैठ गए, और हंसी इसलिए आ रही है कि जो पहले बैठ गया वो सही से बैठा है और जो बाद में बैठा है वो लटक गया। आप लोग देखिए बहुत ही फ्रेंड, बहुत ही मज़ा आया, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अब शायद कब ऐसा मौका मिले। तो अब हम लोग घर आ गए हैं, ये हमारी सिस्टर अभी आई है लखनऊ से, और ये देखिए मामा की कितना मार रही है, आप लोग हमें कैसे ये मार रहे हैं। मेरे चैनल का पहला व्लॉग और भतीजे का मुंजा दोनों मेमोरेबल है, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। थैंक यू।